दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप लोगों ने पीसी में गूगल हिंदी टूल को किस तरह से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आपको अगर हिंदी टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होती है या आप लोग हिंदी टाइपिंग नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए गूगल आपको एक बेहतरीन टूल देता है जो सिर्फ इंग्लिश आप लोग लिखेंगे और हिंदी में वो टाइपिंग ऑटोमेटिक होता जाएगा, वो एग्जैक्ट सही। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग गूगल हिंदी टूल को अपने पीसी में या लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं। लेट स्टार्ट। कोई भी ब्राउजर को ओपन करिए। अगेन मैं यहाँ पे ब्राउजर को ओपन कर चुका हूँ क्रोम, और आपको सर्च और टाइप यूआरएल इस पर क्लिक करिएगा। आपको लिखना है गूगल पी टू डाउनलोड। अगेन ऑफलाइन इस पर क्लिक करिएगा। अब यहाँ से टूल्स को डाउनलोड करना है। आप यहाँ से आपका ये मन है वहाँ से आप लोग डाउनलोड करिए। मैं ऊपर बोले पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर दो तीन बस सॉफ्टवेयर होते हैं उसको इंस्टॉल करना होता है, वही 5-6 MB का होते हैं। तो हम लोग नीचे जाकर यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है डाउनलोड, अगेन इस पर क्लिक करते हैं हम लोग। और क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं 5 MB का है, ठीक है। इस पर अगेन गूगल इनपुट हिंदी एक्सटेंशन है। अब उसके बाद यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ से मिनिमाइज करके उसके बाद डाउनलोड में जाते हैं। और डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ से ये रहा ये, और इसको यहाँ पर स्क्रीन पर लाते हैं। इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद इसको क्या करिए, रन। यहाँ से रन अभी हो रहा है, देख सकते हैं बफरिंग यहाँ पे चल रहा है। एक काम और कर सकते हैं, या तो अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम करता है आपको डाउनलोड करने में, तो इसके लिए एक यहाँ पे जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको तो एक ऑनलाइन टूल्स गूगल हिंदी कीबोर्ड आपको तो यहाँ पर हो ही चुका है, लेकिन अगर ये मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो जाता है आपको, मतलब समझ नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या लिखिए, ZIP और सर्च करिए। जी ZIP फाइल आपको होना चाहिए, मतलब जीप फाइल आप सर्च करिए और यहाँ पे गूगल ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे जो मैं तरीके बता रहा हूँ इस तरह का तरीका आपको शायद ही कोई बता पाए। तो गाइज वीडियो के लिए गाइज लाइक बनता है, ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यहाँ से हम लोग जाते हैं बैक यहाँ पर। अब देखिए ये है हिंदी इनपुट टूल और सेटअप जीप फाइल में रहेगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे दोनों को डाउनलोड करना है। अगेन यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ दोनों पर और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे जेड फाइल है, मतलब ZIP। अब क्या करूँगा, यहाँ पे आएंगे डाउनलोडिंग पर, और डाउनलोडिंग पर आने के बाद यहाँ पर आते हैं डाउनलोड, और यहाँ पर रहा ZIP फाइल जी। यहाँ पर हम लोग लेकर आते हैं इसको, और आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो फाइलें हैं दो होते हैं और दोनों को आपको इंस्टॉलेशन करना है एक एक करके जी। आपको यहाँ पे एक्सट्रेट कर रहा है, बोलने रहा है एक्सट्रेट कर दीजिए, और आपको यहाँ पे कहाँ पे एक्सट्रेट करना है वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करिए जी। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ पे भी आपको करना है वो आप लोग सेलेक्ट करिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, हिंदी इनपुट सेटअप को आपको डबल क्लिक करना है। अब एक एक को आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर करना होगा इसको इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर करते हैं रन और यस, ये तो रन हो चुका है। यहाँ पे लिखा है कि सक्सेसफुली, अभी यहाँ पे ओके। और नीचे वाले को पहले हम लोग कर देते हैं, जो भी प्रॉब्लम आता है तो नीचे वाले को एक ही करके आप लोग चेकआउट करिएगा। और यहाँ पे रन, यस, यहाँ पे पहला हो चुका है और फिनिश। और फिर ऊपर वाले को हम लोग करते हैं ताकि ये प्रॉब्लम कर रहा था, तो हम लोग पहले इसको किए इनपुट टूल को, उसके बाद ऊपर वाले को। तो यहाँ पे अब हो चुका है, अब इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए कोई भी हम लोग को जो है कि एक कीप या कोई भी नोटबुक की ज़रूरत होगा, उसके लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे टाइप हेयर पर और यहाँ पे नोटबुक लिखते हैं, नोटबुक और नोट पैड यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कोई भी इंग्लिश में नेम, लेकिन अभी हिंदी यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश में नेम लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो ये आएगा तो कैसे आएगा भाई, उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे राइट में। देखिए राइट में आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करिएगा। नीचे यहाँ पर हिंदी आता है, इस पर क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर आपका ये नोटबुक है ना जो ये काम करना शुरू करेगा। चलिए यहाँ पर लेट स्टार्ट। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं राम। अब राम आम खाता है जी, तो अब राम आम खाता है इस तरह का हम लोग के पास आ चुका है टेस्ट लिखा हुआ। चलिए इसको हम लोग बड़ा करते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखिए एक बार और यहाँ पे लिखते हैं, तुम घर जा रहे हो। अब इस तरह का देखिए, तुम जा रहे, राम आम खाता है, तुम घर जा रहे हो जी। इस तरह का आप लोग
मतलब हिंदी टाइप कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आती है हिंदी टाइपिंग अच्छे तरह से नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको टूल बहुत कमाल की है और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाइए आप चेकआउट करिए और आप लोग इस्तेमाल करिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो के नीचे एक रेड में सब्सक्राइब बटन दिखे उस पर भी क्लिक करिए, आप लोग सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए KP शांति साइनिंग आउट। नमस्ते।